ईजीएस्ट कंपोजिशन प्रैक्टिकल्स फाइन आर्ट्स फोर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, जिसके लिए ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये मेरे स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए कुछ वर्क हैं जिनके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हम लेते हैं वर्ली आर्ट। तो वर्ली आर्ट को एज ए कंपोजिशन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो बना सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो उन वर्क्स के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो ये जो सबसे पहले वर्क आया है, ये वर्क बनाया है उदित सैनी ने, क्लास इलेवेंथ क्लास में फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है। और इसमें आप देखिए कि इसने वर्ली आर्ट को थोड़ा सा फैशनेबल लुक दिया है, थोड़ा सा ट्रेंड में डाला है। जैसे कि आप इनकी ड्रेस देख सकते हैं, कितनी प्यारी इसने कलरफुल ड्रेसेस बनाई हैं। थोड़ा सा अपने स्टाइल में इसने इनको पेंट करने का कोशिश किया है। और ज्वेलरी आप देख सकते हैं हाथों में और पैरों में, जैसे हाथ में बैंगल्स और पैर में इसने पायल जो बनाई हैं, केवल ओवल शेप से इनको हल्का सा इल्यूजन दिया हुआ है। सर पर स्कार्फ्स, हाथ में इनके बैग्स हैं और गले में छोटे से नेकलेस बनाए हुए हैं। बॉर्डर बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। और इस वाले जो इसने कंधे पर इसने कुछ एक लाठी में कुछ कपड़े टांगे हुए हैं, सेम इसके एक एक पायल पैरों में दोनों में डाली हुई है। स्टिक ड्राइंग से इसने थोड़ा सा वर्ली आर्ट को बनाया है। ये दूसरा आर्टवर्क आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है अक्षय। अक्षय भी इलेवंथ क्लास का ही स्टूडेंट है। बेसिकली सारे वर्क इलेवंथ क्लास के हैं। बॉर्डर आप देखिए ब्लू कलर के साथ इसने कितना ही सुंदर फ्लोरल पेटल जो लोटस पेटल से बनाया है। दूसरा बॉर्डर इसने वाइट में ही ब्लैक पेन से बनाया हुआ है, जो कि डिजाइनिंग से है। हल्के हल्के कलर करके इसने इसके अंदर ब्लैक मार्कर से ही इसने जो है ड्रेस बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। इसी घास में और पेड़ में भी इसने ब्लैक चारकोल्स का सॉरी पेन का यूज किया है। सन का देखिए आप रेड करने के बाद इसने केवल इल्यूजन से दिखाया है। सर पर देखिए टोकरी रखे हुए हैं और ड्रेस में डिजाइन किया हुआ है और पेड़ को भी बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया है। वहीं हम अगले आर्टवर्क के पास आते हैं। तो ये बनाया है इसी बच्चे का भाई है और उसने ये बनाया है। और आप देखिए कितना ही सुंदर जो पैटर्न्स ने जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, येलो एंड ऑरेंज कलर को रेड कलर को मिक्स किया हुआ है, ऑरेंज कलर का जो फ्लो दे रहा है उसको उसने बनाया हुआ है। बॉर्डर आप देखिए ब्लैक ऊपर उसने डार्क ग्रीन और बीच में जो बॉर्डर बनाया है वो ब्लैक से लाइनिंग एंड जो ट्राइंगल शेप को लेकर बनाया है। आयुष राठौड़ का ये वर्क है जो आप देख रहे हैं और डांसिंग फिगर्स इसने बनाए हुए हैं जिनको ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ डेकोरेट किया है। नेक्स्ट आर्ट वर्क के ऊपर हम आते हैं। तो ये श्रेयांश ने बनाया है और श्रेयांश ने जो है पैलेट ग्रीन और पिंक कलर का इसमें यूज़ किया है बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स को डेकोरेट करने के लिए। इसने भी ब्लैक मार्कर का और पेन का यूज़ किया हुआ सिंपल्स फिगर बनाए हुए हैं, जिसमें एक ऊपर का पार्ट बड़ा और नीचे का पार्ट जो छोटा बनाया है। साइड में इसने पिंक एंड येलो कलर में एक मदर एंड डॉटर को दिखाया हुआ है, जो कि दोनों डांस करते हुए दिखाए गए हैं। सर का जो हेयर स्टाइल है इसने थोड़ा सा डिफरेंट लुक लिया है। ड्रेस में देखिए कितना सुंदर इसने डिज़ाइन बनाया है, कलर्स करके फ्लैट कलर लगाने के बाद इसमें डिज़ाइन बनाया है। नेक्स्ट आर्टवर्क के ऊपर आते हैं। तो इस बच्चे ने ईशान शर्मा है, इसने आर्टवर्क को बनाया है और इसके अंदर आप देखिए इसने थोड़ा सा इसमें इसने शैली से हटकर काम किया है। इसमें आदिवासी शैली को इसने मिक्स कर दिया है और बैकग्राउंड को ज़्यादा अच्छे से मर्ज नहीं किया, येलो एंड और रेड कलर को मिक्स किया है और आउटर जो बॉर्डर है ग्रीन कलर से और जो मिडिल बॉर्डर है वो उसने ब्लू कलर से बनाया है, जिसपे इसने वाइट कलर से काम किया है। डांसिंग फिगर्स बनाई हुई हैं, देखिए पहली फिगर फीमेल है, दूसरी भी फीमेल है जो हाथ में कुछ ड्रम स्टिक्स वगैरह लिए हुए हैं, डांसिंग करते हुए हैं। इनके पोस्चर्स देखिए डांसिंग मोड में है। इधर ढोल है, इधर बिगुल लिए हुए हैं हाथ में और जैसे आग के अलाव के चारों तरफ घूम घूम कर डांस कर रहे हैं, इस तरह से इसने बनाया हुआ है। इधर जो फिगर है इसके सर पर कुछ मटके रखे हुए हैं और वाइट कलर से इनको डेकोरेट किया है, बीच में अलाव जलाई हुई है। नेक्स्ट आर्टवर्क जो बनाया है ये लवप्रीत शेरगिल ने बनाया है, बड़ा ही सिंपल है और इसने इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए देखिए आप
जो आउटर बॉर्डर है ब्लैक से, फिर जो मिडिल बॉर्डर है रेड कलर से बनाया है, और इन दोनों के ही बीच में इसने शंख की आकृति के कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग कलर्स हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों पैटर्न्स। और सेंटर में इसने थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर करने के बाद बिल्कुल ही सिंपल फिगर से बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा कलर होच पोच हो गया है, बट स्टूडेंट है थोड़ा सा चलता है। और देखिए ब्लैक कलर से इनकी जो फिगर्स की आउटलाइन देने के बाद इनमें हल्का सा कलर करके उनकी भी आउटलाइन की गई है। अगले आर्ट वर्क की अगर हम बात करें तो इसको बनाया है शुशांक ने। शुशांक ने देखिए आउटर बॉर्डर को ग्रीन कलर से और जो मिडिल बॉर्डर है उसको इसने पिंक एंड रेड कलर से बनाया है, तथा जिगजैग और कर्व लाइन से इसने इनको बॉर्डर को डेकोरेट किया है। पेड़ में लाइनिंग वर्क किया है, छोटे छोटे स्मॉल जो हैं फिगर्स बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग पोस्चर्स में हैं। कोई किसी के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो किसी के हाथ में कुछ है। तो अगला जो आर्ट वर्क है इसको रोहित महला ने बनाया है, ये भी 11th क्लास का स्टूडेंट है। बैकग्राउंड को जो मिक्स किया है ऑरेंज एंड येलो, डीप येलो कलर से, और आउटर बॉर्डर इसने बनाया है तो हल्का सा ब्लैक और मिडिल बॉर्डर ग्रीन कलर से। सन देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। तीनों फिगर जो है फीमेल बनाई गई हैं, और वो ट्री को थोड़ा सा इसने जो है लाइनिंग आउटवर्क दिया है। सन बहुत सिंपल है, देखिए डबल शेडेड लाइन के साथ सन को ड्रॉ किया है, और फिगर में जो है एक के हाथ में बिगुल टाइप है और एक के हाथ में एक डंडी में लाठी में कुछ पोटली से बना हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल है, आप इसको ट्राई करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Thank you, everyone.